दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। इंडिया खेलना चाहते हो तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। आज कान बंद करके खेलना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजय देवगन, प्रिया मनीष टारर, स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन एंड बजट के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म मैदान की, तो फिल्म मैदान फाइनली सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को 11 अप्रैल 2024 को ईद के मौके पर रिलीज किया गया है, जहां फिल्म की सीधी टक्कर अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से हो रही है। फिल्म मैदान ने अपने पहले दिन थोड़ी डिसेंट कमाई की शुरुआत की है। फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो फिल्म मैदान ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन के अंदर इंडिया के बॉक्स ऑफिस से करीब 11.25 करोड़ की नेट कमाई कर शुरुआत कर रही है। दोस्तों फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म मैदान को ओवरऑल 90 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। वहीं फिल्म के स्क्रीन की बात कर ले तो फिल्म को वर्ल्ड वाइड में 3600 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जिसमें से फिल्म को इंडिया में 2000 स्क्रीन, तो वहीं फिल्म को ओवरसीज मार्केट में 1600 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। तो फिल्म की बात की जाए तो फिल्म काफी लंबे समय से चर्चा में थी, फाइनली फिल्म रिलीज हो चुकी है, जो सॉरी मोशन से भरपूर है। फिल्म मैदान, फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फिल्म की कहानी 1952 ओलंपिक से शुरू होती है, आजादी के ठीक 5 साल के बाद ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारतीय फुटबॉल टीम को हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अजय देवगन भारतीय फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के किरदार में है, उन्हें टीम से निकाल दिया जाता है। फिर करीब 2 साल के बाद वे फिर से कोचिंग संभालते हैं और इंडिया को कई गोल्ड मेडल जिताते हैं। फिल्म आपको इंगेज करती है। फिल्म का सेकेंड हाफ दोस्तों काफी जबरदस्त है, खासकर फिल्म का क्लाइमैक्स आप सभी को सीट से उठने नहीं देता है। फिल्म का वीएफएक्स से लेकर के फिल्म की कॉमेडी सब कुछ जबरदस्त है। जब आप फुटबॉल स्टेडियम में मैच देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि आप थिएटर्स में बैठे हैं, ऐसा लगता है कि आप फुटबॉल स्टेडियम में बैठ करके मैच देख रहे हैं। फिल्म का विजुअल इफेक्ट्स काफी शानदार है। फिल्म दोस्तों कुल मिलाकर फिल्म आपको देखने पर मजबूर करती है। फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में अपने पहले दिन पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। फिल्म को अगर आपने मिस किया है तो इस वीकेंड फिल्म को देखने थिएटर्स जरूर पहुंचे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन एंड बजट के बारे में। दोस्तों बात करेंगे 2024 की बॉलीवुड की एक्शन ड्रामा फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के कलेक्शन की बात करें तो अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ एंड पृथ्वीराज सुकुमार स्टार फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से शानदार कमाई कर शुरुआत की है। बात करेंगे फिल्म के डे वन कलेक्शन की तो फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने अपने पहले दिन 22 करोड़ की ओपनिंग कर शुरुआत कर रही है, तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से करीब 26 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआत हो रही है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 320 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। फिल्म के स्क्रीन की बात कर ले तो फिल्म को वर्ल्ड वाइड में 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। दोस्तों फिल्म का बजट काफी हाई है, ऐसे में फिल्म को वीकेंड में शानदार परफॉर्मेंस करना होगा। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की बात करें तो फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारम विलेन के किरदार में है, तो वहीं फिल्म में फीमेल लीड रोल में मानसी छिल्लर एंड सोनाक्षी सिन्हा नजर आ रही है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म की सीधी टक्कर अजय देवगन की फिल्म मैदान से हो रही है। क्या फिल्म आगे आने वाले दिनों में शानदार कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एक्शन पैक मूवी देखना चाहते हैं तो फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को देखना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों बात करते हैं मलयालम लैंग्वेज की एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म अविसम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन एंड बजट के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फहद फासिल, आशीष विद्यार्थी, सुजिंग गोपी स्टारर फिल्म अविसम के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन के अंदर शानदार कमाई कर शुरुआत हुई है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड सहित अपने स्टेट केरला के बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर शुरुआत हुई है। बात करेंगे फिल्म अविसम के फर्स्ट डे कलेक्शन की तो फिल्म अविसम ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 9.75 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआत करी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट केरला के बॉक्स ऑफिस से 5 करोड़ ग्रॉस की ओपनिंग कर शुरुआत हुई है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म अविसम को ओवरऑल 55 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो फिल्म अविसम में फहद फासिल लीड रोल में है, तो वहीं फिल्म में आशीष विद्यार्थी, सुजिन गोपी एंड मंसूर अली खान सपोर्टिंग रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म को पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिव्यू मिले हैं। फिल्म मलयालम की एक और 100 करोड़ कमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म अविसम दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस कर रही। फिल्म को अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर आए। तो दोस्तों ये था लेगा जो हाल फिल्म के कलेक्शन का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया।